हेलो सर नमस्कार। जी, नमस्ते सर। सर रिलायंस जियो हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ सर। जी, जी जी सर बताएं। हाँ याद है ना सर, मैंने लास्ट टाइम आपसे बात किया था, बिल्कुल आपका बिल्कुल। लोकेशन डिटेल्स राजेश जी से ही हो रही ना बात हाँ जी मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो हमने आपका लोकेशन वगैरह लेके आगे फॉरवर्ड किया था फॉर नेटवर्क जी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो उस पर हमारे टीम ने भी अपडेट किया है, तो आई थॉट कि मैं आपको भी अपडेट कर दूँ। वैसे जी आपको टीम ने कांटेक्ट भी किया होगा ना, नहीं कॉल नहीं SMS कुछ आया आपको? नहीं कुछ नहीं, SMS आया था शायद, SMS में भी नहीं मतलब है? SMS SMS में आया था। ठीक है, मैं अपडेट दे देता हूँ आपको। नेटवर्क टीम ने सर वो लोकेशन आपका चेक किया है एंड दे सेड कि वहाँ पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, कंजेशन हो रहा है। जो साइट है ना आपके लोकेशन पे, साइट जी जी या टावर बोलिए उसको, वो एक डिस्टेंस पे है और उसमें कंजेशन है, ठीक है। मतलब जो साइट आपको सर्व कर रही है उस लोकेशन पे, उस पर कंजेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ हो रही है। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने दो प्लान सजेस्ट किए हैं, एक लॉन्ग टर्म है और एक शॉर्ट टर्म का भी है, जो SMS आया होगा आपको। तो लॉन्ग टर्म में क्या है कि आपका रिक्वायरमेंट, आपके लोकेशन पे एक नया टावर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा जी पर क्या है सर, क्योंकि टावर अगर मुझे भी लगाना है तो उसमें अप्रूवल लेना पड़ता है, गवर्नमेंट बॉडी से एक अप्रूवल पास होगा, उसके जी बाद NOC पास होगी। ये लॉन्ग टर्म है सर, कम से कम बिल्कुल 5-6 महीने लग जाते हैं। जी तो इसीलिए उन्होंने एक शॉर्ट टर्म भी शेयर किया है, जी ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ऑलरेडी जो टावर है उसी पे काम करके उसी की कैपेसिटी बढ़ाएंगे सर, ठीक है। जी तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, उन्होंने दिया है 60 दिन का टाइम है, 60 से 90 दिन में ही यही हो जाएगा सर। ओके, तो जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे एज अ कस्टमर नहीं सर, सर सर जियो के सर साथ सर सर रहिएगा सर। इससे पहले भी यही चीज हुई थी कि 60 से 90 दिन का टाइम पहले भी लिया गया था, लेकिन कुछ भी जी नहीं हुआ, कुछ बिल्कुल, भी। नहीं, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि हुआ होगा, बट वही मैं आपको समझा, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा जितने मैंने बताया जी आपको। जी क्यों ये होता है, आपने जो बोला ना, पहले भी बोला था, हाँ अभी कैपेसिटी। हमने एक काम किया कि ऑलरेडी जो टावर है उसकी हमने आज कैपेसिटी बढ़ाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर से समझाता जी हूँ, आप समझ जाएंगे कि 300 की कैपेसिटी है उसकी, 300 कस्टमर्स की। जी हमने क्या किया, उसको कैपेसिटी बढ़ा के उसके 400 कर दी या 500 कर दी, ठीक है। ओके ओके ये बात हो गई 6-3 महीने पहले की। तो जी अब क्या हो रहा है, उस समय जब आपको ये टाइम दिया गया था तो 400 का जो कैपेसिटी था वो भी यूटिलाइज हो गया। नहीं तो नहीं इसके ऐसा लिए कुछ आपको नहीं, लगा कि ऐसा कुछ नहीं सर, वो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर ऐसा कोई कहना तो कैपेसिटी बढ़ाई गई ना, कुछ इम्प्रूवमेंट आया। और वहाँ पे तो अच्छा, जो सिम निकलना था, तो सुनिए मेरी बात सुनिए सर जी आप, वहाँ पे इश्तिहारी पंचायत में सिर्फ एकमात्र जियो का ही टावर चलता है, ओके ओके दूसरा कोई नेटवर्क है ही नहीं। अब चलेगा वहाँ पे फिर। जो सिम निकलना था वो उस टाइम निकल चुका है, लोगों ने निकाला, लेकिन हाँ कैपेसिटी तो इम्प्रूवमेंट हुई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं सर। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि ये अभी हम अपने तौर से आगे एस्केलेट कर रहे हैं एज अ पर्सनल, क्योंकि मैं, मेरे पास ये केस आया था तो मैंने डायरेक्टली उनको, टीम को बोला ये चीज़, ठीक है। जी तो इन्होंने जो अपडेट शेयर किया, अभी मैं एज अ कस्टमर बस आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हैं वहाँ पे सिर्फ जियो के ही नेटवर्क है, बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई भी लोकेशन होता हमारे लिए बेनिफिट यही होगा एज अ कंपनी। आप कस्टमर सोच रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि मेरा इशू रिजॉल्व, बट एज अ हम कंपनी के हिसाब से सोचेंगे प्रॉफिट मिलेगा हमें और कस्टमर एक्वायर करने मिलेगा, समझ रहे हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस एरिया को नेटवर्क में इम्प्रूव करें, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वेट कीजिए, 60 से 90 डेज का जो टाइम है इस बीच में हो जाएगा सर। चाहिए तो मैं आपको 90 दिन के बाद एक कंफर्मेशन भी कॉल करूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा उसमें, ठीक सर है। 90 दिन बहुत आपसे मैं लंबा टर्म कंफर्मेशन है, लूंगा बहुत लंबा टर्म है। अभी सर। दो आई साल एग्री, तो टोटली यही, एग्री, दो बट साल यही हुआ, अभी 90 दिन का वो टर्म लिया। नहीं, क्या होता है सर, मैं बताता हूँ आपको। हमने एक एम रखा है सर, December 2023 का एक एम रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं अंदर की चीजें आपको मैं बता रहा हूँ कि 5G का जो सर्विस है हमारा इम्प्रूव करने के लिए एक टारगेट रखा है हमने कि ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी कवर्ड बाय December 2023, ठीक है। तो हमारा, अगर हम वहां पे नहीं पहुंच पाए, 5G हर जगह पे तो नहीं हो पाएगा, बट जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारी सर्विस है 4G वाली, उस पे भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये टारगेट सेट है सर, तो ऐसा मत सोचिए, हमें कस्टमर एक्वायर करना है, हमें कंपटीशन में रहना है, समझ रहे हैं आप। नहीं सर ये तो तो आप मैं समझ निश्चिंत गया। रहिए, देखिए बिल्कुल जैसे और भी जगह टावर लगे हैं गांव में, बट वहां पर ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी, कॉलिंग भी अच्छी है और डाटा भी ठीक चलता है,
बट पर्टिकुलर उसी पंचायत में ये टावर बिल्कुल ही कुछ ही नहीं चलता है। हो जाएगा अभी हाईलाइट कर दिया सर, आप निश्चिंत रहिए, हो जाएगा सर, कर दिया सर, ठीक है। एज अ कस्टमर मैं ये बोल रहा हूँ, अप्रिशिएट करूंगा, वेट कर लीजिए, आपको ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट खुद ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि 90 दिन बोला है तो 90 दिन पे ही इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा नहीं है सर। हो जाएगा आपका, बीच में ही आपको इम्प्रूवमेंट खुद ही दिखने लगेगा। ये हम लॉन्ग टर्म इसीलिए बताते हैं कि कोई गुंजाइश रहे तो इम्प्रूवमेंट के लिए हम इस बीच में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।